गुलबर्गा शहर में आज कल्याण कर्नाटक ऑटो यूनियन के मेंबर्स ने एक एहतजाज करते हुए मुतलबा किया कि पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से ऑटो वाले को बस स्टैंड के पास जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जैम होगी कहकर पीछे के रास्ते से करीब 1 किलोमीटर से के जाना पड़ रहा है। ऑटो ड्राइवर्स का ये कहना है कि हम लोग ऑटो लिए हैं सिटी में चलाने के लिए, अगर आप लोग ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हम लोग घर में बैठेंगे, आप लोग हमारे घर का खर्चा दीजिए। शहर में 14,000 ऑटो है, जिसमें से 7,000 ऑटो इलीगल चला रहे हैं, उनको नहीं पकड़ रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट वाले, और जिसके पास पास परमिट है उसी को पकड़ रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने। ऑटो ड्राइवर्स ने कहा है कि अगर पहले जैसा था वैसे नहीं किए तो हम लोग मिनिस्टर के घर के बाहर या नहीं तो बस स्टैंड के सामने एहतजाज करेंगे कहा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये जो है ना पुलिस वाले हमको बस स्टैंड के बैक साइड से जो बोल रहे, अच्छा है वो नहीं बोलकर नहीं बोल रहे हम। अगर ये लोग तालुके के गाड़ियां पूरे बंद कर देंगे, पूरा हमको क्या है ये कर देंगे, तो 50% ट्रैफिक हमारा कम हो जाता, तो हमको बैक साइड से जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम ये बात को मान रहे कि हम फ्रंट रोड पे जो है ना ट्रैफिक जाम करते हैं, हम नहीं बोलकर नहीं बोल रहे। हम हमारे बहुत सारी गलतियाँ हैं हमारे पास, लेकिन आप जो है ना ये तमाम गाड़ियों को बंद कर दो, हमारे को क्या है खुद ब खुद 50% ये होता है। पहले बसा वो 50% ये लेडीज़ को फ्री करके हमारा कारोबार 50% ख़त्म कर दिए। अब पुलिस वाले भी ऐसा करेंगे तो हम लोग जिएंगे कैसा? क्या कर रहे हैं बैक साइड से जो बोल रहे हैं 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो रहा हमको। अभी MS के मिल जाने वाले कैसा जाएंगे सब? MS के मिल भी तो बड़ा एरिया है, अब जाने वाले पीछे से घूम के 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा बोल तो ऑटो वाले का गैस वेस्ट। पब्लिक हमको पैसा नहीं दे रही, 5 रुपये बढ़ के मंगे तो कोई देने तैयार नहीं है हमको, लेकिन क्या है गवर्नमेंट ये बात को मान रही नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप ये बिगर गाड़ी हमको पकड़ लो आप, और जो है ना हमको सीधा सीधा रोड क्लियर कर दो। डिमांड कुछ नहीं है, सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि हमको है ना मेन रोड क्लियर करके दो। हमारा डिमांड कुछ नहीं है, हमको मेन रोड क्लियर चाहिए बस इतना। मेरा नाम सैयद सज्जाद। आज कल्याण कर्नाटक ऑटो यूनियन से हम स्ट्राइक क्यों कर रहे बोले तो ऑटो वाले को बस स्टैंड के पास जाने नहीं दे रहे। ये हम ऑटो ले क्योंकि यहाँ सिटी में चलाने के लिए बस स्टैंड ना को जाओ, स्टेशन ना को जाओ, फिर हम ऑटो कहीं को चलाने दे घर में बैठते। इसलिए क्या ये पुलिस वाले क्या करें, एक टोकन बनाए, देखो साहब ये टोकन दिया इसे नवाज गाड़ी को, ये जो दिए इलीगल गाड़ी को दिए, जो अच्छे उनको दिए तो हम उनका बात मानते थे। ये गाड़ी को क्या भी नहीं, ये है तालुका परमिट जोर के का, इसको टोकन दिए, ऐसे टोकन ऐसे वाले को सीधा छोड़ रहे, हमारे को कहीं को नहीं छोड़ रहे। ऑटो वाले तो एक ही है, सबको करे तो रूल्स एक ही करो, और करने से पहले जो है एक पेपर में देना सब, वो कुछ भी नहीं करे डायरेक्ट बंद करे। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन है ये जो भी बंद करे सीधा छोड़ना ऑटो वाले को, और क्या है बोले तो जो इलीगल गाड़ी है वो पकड़ना। सिटी का परमिट 7,000 है तो इलीगल 7,000 है, टोटल 14,000 गाड़ियाँ चल रहे, वो 14,000 में 7,000 चलने जैसा करना, ये ट्रैफिक वाले क्या बोल रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है ट्रैफिक हो रहे, वो उसका रीज़न क्या है वो ढूंढन दे। इसलिए वो सब बंद करके हमारे को डायरेक्ट जाने देना, ये है हमारा डिमांड। अगर ये 7 दिन में नहीं हुआ बोले तो हम डायरेक्ट बस स्टैंड के पास या नहीं तो मिनिस्टर के घर के सामने धरना बैठने बोल को हम आज ये मीडिया के थ्रू से DC और कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दे रहे सर। मेरा नाम हाँ बस स्टैंड के पीछे से जाना पड़ रहा सर, वो बंद कर को हमारे को डायरेक्ट छोड़ना, वो 1 किलोमीटर ज़्यादा हो रहे सर, सब किसको नहीं दे जाने नहीं दे रहे सर, पीछे से जाना सर, ये बहुत हमारे को बहुत भारी पड़ रहा, इसलिए ये बंद कर को सीधा जाने देना सर। हाँ ये क्या है सब, ये इलीगल गाड़ी बंद करना, ये स्ट्रेट करना सब, ये टोकन जो भी है कैंसिल करना, ये हमारा सर।